अस्सलाम वालेकुम। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हमने अपने फैब्रिक मैनिपुलेशन का काम करना है। तो लेट मी एक्सप्लेन, फैब्रिक मैनिपुलेशन होता क्या है। अपने अपने स्पेसिफिक पैटर्न्स क्रिएट करने होते हैं स्टिचेस के थ्रू फैब्रिक के ऊपर, तो उसको कहते हैं स्मोकिंग। वो सूठेबाजी वाली स्मोकिंग नहीं, वो हरगिज़ स्मोकिंग नहीं करनी हमने, वो बैड फॉर हेल्थ होती है। तो हमने जस्ट इसमें ना पैटर्न्स क्रिएट करने हैं टांकों की मदद से, तीन डिफरेंट टेक्निक से एक फैब्रिक का डिज़ाइन सरफेस क्रिएट करनी। तो ये टेक्सटाइल आर्ट की असाइनमेंट है, तो इस काम को स्टार्ट करते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइज, हेयर आई एम स्टार्टिंग माई वर्क। ये फैब्रिक मैनिपुलेशन की असाइनमेंट थी, दो तीन वीक्स पहले की मिली हुई है, बट मैंने आज स्टार्ट की थी। तो पहले पहले मैं भूल गया कि करनी कैसे, लेकिन एट द एंड मुझे याद आ गया कि किस टेक्निक से ये होती है। कि आपके भाई ने देखो कितनी आला तरीके से बनाया, बट अभी बना रहा हूँ, कुछ रहता है कुछ कर लिया, अभी वीडियो एडिट करने लग गया। सो गाइज, फाइनली थ्री टेक्निक से मैंने डिज़ाइन बना लिया है। तो अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगा हूँ। बच्चों का शोर आ रहा है, बार बार बना रहा हूँ, अब एडजस्ट करना पड़ेगा। सो यार, इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा। तो गाइज, आप लोगों ने देखा हमारी वाली क्लास इतनी गंदी हो रखी है, हमारी वाली साइड पर गंद पड़ा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल काम कर लिया। तो आज हमें करना नहीं है कुछ भी, तो जस्ट हेल्प करवाएंगे अपने क्लासमेट्स की, उन्होंने काम नहीं अभी किया होना तो उनकी हेल्प करवा देंगे। बस आज यही कुछ करेंगे। तो गाइस, फाइनली हमारा पिन्ना हो गया, अब हमने इसको क्रोशिए से बनाना है। सो गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये बना रहा हूँ, इतना बना है तो होपफुली अच्छा लग रहा होगा। तो यार, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इतना सैंपल मैंने बना लिया, सुबह से बैठ के बना रहा था, आपको दिखाया भी है, अच्छा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं इसका कुछ और, इस पर और ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। ये मेरी डेवलपमेंट्स बन गई है फिलहाल, बच्चे बोले जा रहे हैं। सो यार, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गए हूँ। आज यूनिवर्सिटी में यही कुछ किया आज मैंने, क्योंकि आज वानिया नहीं आई थी तो हमने खड्डी वाला काम नहीं किया, बट इसी पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा मैं थक गया। और कुछ थोड़ी देर में जूनियर्स के पास खड़ा हुआ था अपनी, वहाँ पे काम कर रहा था स्कल्पचर का, उनका वीडियो हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ना स्कल्पचर। तो मैं उनके पास खड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया, चिल की, उनको गाइड भी किया अच्छे से, काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। वैसे मतलब काम करते वक्त बोर हो रहा था मैं, क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं था। बाद में काम करने के बाद मैं फिर चला गया था जूनियर्स के पास, तो उनके साथ साथ ही कंपनी अच्छी थी उन्होंने भी और मैंने भी कंपनी दी, मज़ा आया। तो अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में जो हुआ वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। सुबह सुबह उठाऊँ मैं, मैंने फैब्रिक मैनिपुलेशन का काम किया, यूनिवर्सिटी गया, मूड यूनिवर्सिटी जाने तक तो ठीक था, यकीन करो। मामा गई हुई थी, फौतगी हो गई थी हमारी नानों की, मतलब नानों की बहन की फौतगी हो गई थी मामा की खाला की, तो उसकी वजह से ना मामा दो दिन घर नहीं थी, तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता सही से। तो कुछ लोगों के टॉन्ट्स मुझे डीमोटिवेट कर देते हैं, मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया ठीक से, बट इंशाल्लाह हमने अपने काम पे कमबैक करना है, इंशाल्लाह व्लॉग करने हैं और 365 डेज करने ही करने हैं इंशाल्लाह। अब ये किसी किताब में तो नहीं ना लिखा कि मैं सैयद रजब अली सोन व्लॉगर जिसका चैनल है वो कभी डीमोटिवेट नहीं हो सकता। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स हैं, मैं भी कई चीज़ों को फील कर जाता हूँ, मैं भी मतलब इंसान ही हूँ ना, कि कोई मुझे मेरा पैशन है जिस चीज़ में उस पर अगर आपको टॉन्ट बजते रहेंगे और हर टाइम आप ही टारगेट होगे तो आपको बुरा लगेगा, आप कहोगे कि यार ये क्या है मसला इनके साथ। हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। यार अपनी लाइफ है, हर बंदे को ना हक होना चाहिए कि वो जैसे चाह रहे हैं ना उसको वैसे अपना टाइम स्पेंड करे, जैसे भी उसकी मर्जी है यार, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे मैं आज तक कभी किसी की लाइफ में इंटरफेस नहीं किया, ना मैंने कभी किसी को कहा कि यार तू गलत कह रहा है या तू अच्छा है या तू बुरा है, मैंने कभी किसी की नेगेटिव पॉइंट को भी पॉइंट आउट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ पर मुझे प्राउड है। मैंने ना कभी किसी का मजाक उड़ाया, ना कभी किसी को बिला वजह छेड़ा, ना बिला वजह किसी के साथ मजाक किया मैंने, ना कभी किसी को छेड़ा कि यार तू इस तरह, तेरे में ये खामी है, तेरे में ये खूबी है, खूबी हो तो उसको बता दो, उसको अच्छा लगता है, अगले बंदे के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है। अगर आप
किसी के वीक पॉइंट को पॉइंट आउट करोगे ना, वो आपकी तारीफ नहीं करेगा। हाँ, अगर तो वो बुरा कर रहा है ना, कोई चीज़ बुरी कर रहा है, उसको बता दो कि यार ये चीज़ ऐसे ठीक होगी, ये नहीं कि तू सही कर ही नहीं सकता, तू गलत है कहाँ, तू ये इस तरह नहीं। कभी भी एक चीज़ होती है किसी को गाइड करने की ना, एक तरीका होता है, एक मैनर होते हैं इंसान में ना, किसी में होते हैं वो। आप प्लीज़ जो भी है ना, मतलब डीमोटिवेट करते हैं ना किसी को, डीमोटिवेट करने का यार आप लोगों का कोई हक नहीं है। प्लीज़ अगर सपोर्ट नहीं ना कर सकते तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट भी ना किया करें। इंशाल्लाह व्लॉग्स मैंने करने हैं और व्लॉग मैंने छोड़ने भी नहीं हैं। आज का सारा दिन मेरा स्पॉयल हो गया, फैब्रिक मैनिपुलेशन का काम किया, आज मैंने डेवलपमेंट पे फोकस किया थोड़ा सा और फैब्रिक मैनिपुलेशन का काम किया। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में हमने ड्राइंग का काम करना है, कंप्लीट नहीं किया, आज भी नहीं हो पाएगा मेरा ख्याल है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम कम बैक करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। कोई किसी के कहने से, किसी के जलने से, या किसी के डीप ग्रेड करने से या डीमोटिवेट करने से यार हमारा कुछ नहीं जाएगा। और उसको अगर खुशी मिलती है तो यार 100 बिस्मिल्लाह 100 बार डीग्रेड करो, डीमोटिवेट करो, डिसलाइक करो, जो जी करता है ना आप लोग करो, ठीक है ना। व्लॉग करने हैं, व्लॉग करूँगा और हर टाइम करूँगा इंशाल्लाह, 365 डेज करूँगा। अभी मैंने अपने फियांसे का भी चैनल बनवाया है, उस चीज़ पे कई लोग मतलब टॉन्ट मार रहे थे, ये टॉन्ट मार रहे थे कि क्या होता है मैथ उतना आसान है। तो यार अगर इतना ही आसान है, गो एंड मेक योर ओन चैनल, जाके कंटेंट अपलोड करो, इतनी हिम्मत है तो। अगर इतनी मेहनत कर सकते हो आप, एडिटिंग आती है आपको, आपके पास कंटेंट है, किसी चीज़ का भी कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास हाई कॉन्फिडेंस है, तो आप ख़ुद से क्यों नहीं ट्राई करते ये चीज़, बजाय इसके कि उसको कहने के कि यार आप नहीं करो, ये नहीं कर सकते। आप खुद करके दिखाओ ना, आप कर सकते हो तो आप खुद करके दिखाओ, लोगों को बताओ। कई लोग कहते हैं हमारे चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, तो यार अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, आपको इज़्ज़त मिली, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। हमें नहीं मिली ना सही, कभी ना कभी आएगी, हर बंदे का टाइम आता है, हमारा टाइम नहीं है, शायद आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए काइंडली किसी को डीमोटिवेट ना करें, सपोर्ट करें, कर सकते हैं अगर। तो इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।